रूस के कजान में विदेशी मेहमानों का जबरदस्त मजमा लगने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के सदस्य देशों से ज्यादा देशों को अपने देश में इकट्ठा कर लिया है। कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं, वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कजान के अंदर, रशिया के अंदर, जहां पे G20 की मुलाकात हो रही है। आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है, इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। देशों के सम्मेलन से पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं है, ये गैर पश्चिमी है, ये किसी के खिलाफ नहीं बनाया गया है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए पीएम मोदी की कोशिशों की भी सराहना की है। कबूल होगी, मंजूर होगी जब बाहर के लोग आपको माने कि आप वाकई इस काबिल हैं और आपको वो लें हाथों हाथ दूसरे मुल्कों के लोगों को, इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौम हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं, हम तो सिर्फ इजी वे ढूंढते हैं और इजी वे वही है जो मांगने का है। और तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर चौक पे, हर चौराहे पे टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जारी बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सो आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ वाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स की बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की भी मुलाकात होने वाली है, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस मीटिंग में भारत से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। यही बात पाकिस्तान के लिए एक झटका बना हुआ है क्योंकि भारत तुर्की को अपना दोस्त बना सकता है लेकिन पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि भारत अब ब्रिक्स जैसे संस्थाओं में भी हिस्सा बनने नहीं देना चाहता। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालत खराब है और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हाल ही दिनों में भारत और तुर्की के रिश्ते सुधरने लगे हैं। यूनाइटेड नेशन में तुर्की ने कश्मीरी मुद्दा नहीं उठाया जो कि पहले उठाया करती थी, पाकिस्तान का साथ भी दिया करता था। इसके अलावा जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी। इस मदद से तुर्की की सरकार का भी नजरिया बदला हुआ है तो अब तुर्की सरकार ने भी भारत से अच्छे रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है ताकि वो ब्रिक्स में भी शामिल हो जाए। इसी वजह से तुर्की के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मीटिंग की रिक्वेस्ट की है और अब भारत भी तुर्की को अपना दुश्मन नहीं मानता। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर पहले दोनों देशों के बीच तकरार होती थी, अब तुर्की ने इस मुद्दे को उठाना बंद कर दिया है तो दोनों देशों के बीच अब 10 अरब डॉलर का व्यापार भी होता है, ऐसे में बातचीत तो करना बनता ही है। अब पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका लग रहा है क्योंकि उसको लगा था कि भारत हमेशा उससे दुश्मनी करेगा लेकिन भारत ने तुर्की के साथ संबंध सुधारने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की कोई मुलाकात नहीं होगी, इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान का इसमें शामिल होना मुश्किल लग रहा है लेकिन बावजूद इसके चीन की एक और कोशिश जारी रहेगी और भारत भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ये सदस्यता ना मिले। पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370/35A रिवोक किया तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कजान के अंदर, रशिया के अंदर, जहाँ पे G20 की मुलाकात हो रही है। आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है, इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो हम वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मजीद वो ममालिक को मजीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी
साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी, मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब SCO की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए। असल में ब्रिक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस पर होती है, मतलब अगर सारे मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर वो एग्री करते हैं तब वो डिसीजन ब्रिक्स मेंबर्स लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर उसमें वो डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के हवाले से तो फिर वो नहीं होता। और क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका, और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह, अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, UAE भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। क्योंकि देखिए ना, इंडिया एक हद तक इस चीज़ को ब्लॉक कर सकता है, उसके बाद इंडिया का भी आगे जोर नहीं चल सकता। लेकिन अब आप देखें ना कि लास्ट ईयर जब जून में चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था क्योंकि चाइना ब्रिक्स को होस्ट कर रहा था, तब इंडिया ने वीटो कर दिया था ये कह के कि वो मुल्क जो दहशतगर्दी करे हमारे मुल्क में आके हमारे लोगों को घुस के मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। कि इंडिया जो कि आप समझ लें कि जिसके हिस्टोरिकल रिलेशन जो हैं बहुत, अगर आप जाएं 1920 में तक जाते हैं, इंडिया कहता है कि हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं मुगल अम्पायर जब थी, लेकिन जो फॉर्मल ताल्लुकात जो बने वो तो 1948 में ही बने थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी OIC के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ, सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जारी बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सो आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने